स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल बी आर सिनेपिक्स में और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की वीडियोज़ की श्रृंखला में हम हाजिर है आपके लिए एक नए वीडियो लेकर के तो हम आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर फिलहाल एक नया वर्क स्टार्ट हुआ है तो इसकी अपडेट लेने के लिए हम पहुँचे हैं खट्टिका तेबारा पर तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान राज लोकेशन का नाम खट्टिका तेबारा तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो साइन बोर्ड होते हैं किलोमीटर की दूरी दर्शाने वाले वो यहाँ पर लगना प्रारंभ हो चुके हैं तो खट्टिका तेबारा से दिल्ली की साइड कितनी दूरी रहेगी कौन कौन से स्थान की और खट्टिका तेबारा से मुंबई की साइड कौन कौन से स्थान की कितनी दूरी किलोमीटर में रहेगी तो उनके जो बोर्ड हैं लगना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं ये देख सकते हैं आप इस प्रकार से एक फाउंडेशन बनाया जा रहा है और आपको सामने जो कुछ मज़दूर हैं वो जो पाइप है लोहे के जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में लगे हुए हैं तो कुछ देर बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर वो तैयार हो जाएगा और जो साइन बोर्ड हैं वो यहाँ पर स्थापित कर दिए जाएंगे तो इसके अपडेट हम आपको देने वाले हैं यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिल सके और आप हमारी वीडियोज़ को निरंतर रूप से देख सकें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साइन बोर्ड हैं वो लगा दिए गए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं जो राजगढ़ की जो दूरी है यहाँ पर वो पैंतालीस किलोमीटर रहेगी यहाँ से और महुआ जो कि दो ज़िले में पड़ता है इसकी दूरी है यहाँ से छप्पन किलोमीटर और अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ से इसकी दूरी है दो सौ चौदह किलोमीटर और ये दिल्ली की साइड का दृश्य आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये यह बोर्ड लगाया गया है देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बोर्ड है और जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ पर पहले तैयार कर लिया गया था और वो भी काफ़ी मज़बूत है जो लोहे के पाइप हैं काफ़ी मज़बूत हैं क्योंकि कई बार जो आंधी तूफान आता है उससे भी जो होर्डिंग्स हैं बोर्ड हैं वो गिर जाते हैं लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखा गया है तो कुछ इस प्रकार से जो बोर्ड हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं हम आपको दूसरा बोर्ड भी दिखाने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो वर्क है वो लगभग कम्प्लीट हो चुका है डामरीकरण था उसकी तीन लेयर यहाँ पर पहले ही डाली जा चुकी हैं फिलहाल यहाँ पर जो साइन बोर्ड हैं वो लगा दिए गए हैं इसके अलावा जो बैरिकेड्स लगाने का जो काम था वो भी यहाँ पर पूरी तरह कम्प्लीट कर लिया गया है और इसके अलावा जो प्लांटेशन का वर्क था वो भी यहाँ पर पूरी तरह कम्प्लीट हो चुका है और अगर बात करें हम तो यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट होते हैं वहाँ पर भी जो साइन बोर्ड होते हैं संकेतांग जो संकेतक वो भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं और आपको एक जो टैंकर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो कि यहाँ पर फिलहाल पेड़ पौधों में पानी डाला जा रहा है और इसके बगल में आप देख सकते हैं जो वाटर रैम्प है वो डिवाइडर में बनाए गए हैं और इसके अलावा जो यहाँ पर फिनिशिंग का काम है जो रंगाई पुताई होती है वो भी यहाँ पर पुल पर की जा रही है तो काफ़ी जो वर्क है वो काफ़ी तीव्र गति से यहाँ पर चल रहा है और ये देख सकते हैं आप हम आपको और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे अब ये जो दूसरा बोर्ड यहाँ पर लगाया गया साइन बोर्ड ये जयपुर की ओर का है अर्थात मुंबई की ओर का यहाँ से आप देख सकते हैं जयपुर चौरानवे किलोमीटर है आगरा एक किलोमीटर और वडोदरा की बात करें तो छः सौ निवासी किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा खटिकते बारा से ये देख सकते हैं आप ये पुल ये जो बोर्ड है ये मुंबई की ओर लगाया जा रहा है मुंबई की ओर के जो रोड है उस पर लगाया गया है और जो दूसरा बोर्ड था वो दिल्ली की ओर की साइड पर लगाया गया था तो काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ से दिखाई पड़ता है और काफ़ी ऊँचे जो होर्डिंग्स है, हैं बोर्ड हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं ये देख सकते हैं आप और फ़िलहाल यहाँ पर जो कुछ वाहन हैं लोकल वाहन कह सकते हैं हम इनको वो यहाँ पर दौड़ रहे हैं दूसरी ओर भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया गया है काफ़ी हैवी है मज़बूत है और संभवतया एक्सप्रेस वे के मुताबिक ही यहाँ पर जो होर्डिंग्स हैं बोर्ड हैं साइन बोर्ड हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और ये देख सकते हैं आप ये पेट्रोल पंप है खटक दीवारा का जो बन कर के पूरी तरह तैयार हो चुका है और इसका नवीनीकरण हुआ है हालांकि जो जगह है वो थोड़ी कम हुई है लेकिन काफ़ी अच्छा है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ से एक्सप्रेस वे का और सामने जो टैंकर है वो जो पौधे हैं उनमें भी पानी डालता है इसके अलावा जो मैट बिछाई गई है मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए उस पर भी पानी का छिड़काव कर रहा है तो सुबह सुबह का टाइम है भी और ज़्यादा वाहन नहीं चल रहे हैं एक कारण ये भी है कि जो भांडरेज है उसमें टोल जो टोल प्लाजा हैं उनका निर्माण हो रहा है और वहाँ पर भी वो बहुत जल्दी बन करके तैयार होने वाले हैं इसके अलावा हम आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जो ओपन करने का टाइम था वो मार्च 2022 था लेकिन अब सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि जो ये काम है वो अब जून 2022 तक पूरा होगा और संभवतया जून 2022 तक ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का जो पहला फेज है भांड्रेज दौसा से और सोना तक का उसको ओपन किया जाएगा तो कुछ इस प्रकार की जानकारियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं चलिए बात कर लेते हैं हमारे द्वारा चुने गए कमेंट्स की तो पहला कमेंट जो हमने चुना है वो है नितेश शर्मा का ये लिखते हैं दौसा के लाल सोट में कितना काम हो गया है तो हम आपको बता दें कि दौसा के लाल सोट में भी फिफ्टी प्रतिशत से जो ज़्यादा काम है वो वहाँ पर हो चुका है और पैकेज नंबर सात में वो काम चल रहा है और वहाँ पर भी बहुत जल्द काम पूरा होने वाला है लेकिन इससे आगे थोड़ा काम धीमा चल रहा है अगला जो कमेंट है वो है कैलाश ताइल का ये लिखते हैं दिल्ली से कोटा कब तक तैयार हो जाएगा बताएं तो संभवतया मार्च 2023 तक दिल्ली से कोटा तक तैयार हो जाएगा अगला कमेंट है गिरिराज शर्मा का ये लिखते हैं नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे क्या अंतर है जी नेशनल हाईवे का ही एक बड़ा रूप एक्सप्रेस होता है और इसकी जो वाहनों की गति होती है इस पर चलने की वो काफ़ी तीव्र होती है अगला जो कमेंट है वो है शादाब खान का ही लिखते हैं भाई आप सवाई माधोपुर बॉन्नी में भी विजिट करें आप जी कोशिश करेंगे और फिलहाल समय की व्यस्तता के कारण हम वाह नहीं जा, जा पा रहे हैं आपको हमारे वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट में जरूर बताएं यदि आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमको बता सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ और एक नई लोकेशन के साथ तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया